नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ सायमा। कहा जाता है कि अपराधियों की कोई जाति या धर्म नहीं होता है, बुरे कर्म ही सिर्फ उनकी पहचान होते हैं। अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए वो भले ही सफेद पोश हो जाएं, किसी पार्टी से चुनाव लड़कर सांसद या फिर विधायक बन जाएं, लेकिन उनकी करतूत कम नहीं होती। एक दिन उनके कुकर्म उनके सामने आ ही जाते हैं, उसके बाद उनकी गर्दन कानून के लंबे हाथों में होती है। प्रयागराज की माफिया अतीक अहमद से लेकर गाजीपुर के बाहुबली मुख्तार अंसारी तक, आज हर गैंगस्टर की दुर्गति उनके कुकर्मों की कहानी बयां करती है। इसी कड़ी में एक और माफिया का भी नाम जुड़ गया है, जिनके परिवार से जुड़ी संपत्तियों पर ईडी का चाबुक चला है। क्या है पूरा मामला और कौन है वो माफिया जिस पर योगी सरकार का बुलडोजर चलने वाला है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से ही बाहुबलियों और माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। पहले अमर मणि त्रिपाठी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और विजय मिश्रा के साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद सरकार की नजरें पूर्वांचल के सबसे बड़े बाहुबली नेता दिवंगत हरिशंकर तिवारी की तरफ पड़ चुकी हैं। इसकी शुरुआत हरिशंकर तिवारी के परिवार से संबंधित करोड़ों की संपत्तियों को जब्त करने के साथ हुई है। ईडी ने बाहुबली नेता के बेटे विनय शंकर तिवारी पर शिकंजा कसते हुए उनके परिवार की 72 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त कर लिया है। उनकी ये संपत्तियां लखनऊ, गोरखपुर और महाराजगंज जिले में मौजूद हैं। इसे तिवारी परिवार पर गहरी चोट माना जा रहा है। बाहुबली रहे हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। यूपी की राजनीति में उनके परिवार का लंबे समय तक दखल रहा है। एक वक्त था जब पूर्वांचल क्या पूरे देश में हरिशंकर तिवारी की तूती बोलती थी। उनके बाहुबल और होशियारी की वजह से अपराध से लेकर राजनीति तक कोई कभी उन्हें शिकस्त नहीं दे पाया। वीरेंद्र शाही से लेकर श्री प्रकाश शुक्ला तक एक से बढ़कर एक माफिया और बाहुबली पैदा हुए, लेकिन उनके आगे कोई टिक नहीं पाया। यहाँ तक कि उनके परिवार के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद सीबीआई और ईडी भी उनके जिंदा रहते कार्रवाई नहीं कर पाई, लेकिन उनके निधन के बाद केंद्रीय एजेंसी ने पहली बार जोरदार झटका दिया है। पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और उनके परिवार के लोग गंगोत्री इंटरप्राइजेस लिमिटेड नामक कंपनी में डायरेक्टर, प्रमोटर और गारंटर की भूमिका में है। इस कंपनी पर कई बैंकों के करीब 1200 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। बताया जाता है कि इस कंपनी के जरिए बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 7 बैंकों के कंसोर्टियम से 1129.44 करोड़ रुपए के क्रेडिट सुविधाओं का लाभ लिया गया था, लेकिन पैसे लौटाए नहीं गए, जिसकी वजह से इन बैंकों को 754.24 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस मामले में बैंकों की शिकायत पर साल 2020 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। इसके बाद लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक तिवारी परिवार के कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। 1 जुलाई 2019 को डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने विनय शंकर तिवारी के साथ उनके 33 परिजनों को समन जारी किया था और साल 2020 में सीबीआई ने केस दर्ज किया। उसके बाद साल 2021 में ईडी ने इस केस की जांच शुरू कर दी, लेकिन हरिशंकर तिवारी के स्वास्थ्य और उनके पीछे लोगों की सहानुभूति को देखकर जांच एजेंसियां थोड़ी सुस्त हो गईं। अब उनके निधन के बाद इस मामले में धड़ाधड़ कार्रवाई की जा रही है। एक वक्त था जब यूपी और बिहार में बाहुबलियों की सरकार थी। अपराध और राजनीति के गंदे गठजोड़ के पीछे इनके काले कारनामों को सफेद किया जाता था। लोग इनके नाम से थर थर कांपते थे। इनके आपराधिक मंसूबों का शिकार बनने के बावजूद इनके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत तक कोई नहीं जुटा पाता था, लेकिन आज इन माफियाओं और गुंडों की हालत बद से बदतर हो गई है। इनमें से कई जेल की सलाखों के पीछे हुए, अपना दम तोड़ चुके हैं तो कई अपने गुनाहों के शिकार हो चुके हैं, और जो बचे हैं वो आज भी जेल की चार दीवारी के अंदर तड़प रहे हैं। उनको ना ठीक से खाने को मिल रहा है, ना चैन से सोने को नसीब हो रहा है। यहां तक कि बीमार होने के बाद भी वो जैसा इलाज चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिल पाता। कभी माफिया डॉन रहे अतीक अहमद की पूरे पूर्वांचल में तूती बोलती थी, लेकिन आज उसका काला अतीत पीछा नहीं छोड़ा। उसकी हत्या के बाद भी उसका नाम किसी न किसी मामले में सामने आ ही जाता है। सबसे बड़ी बात, जिन संपत्तियों को उसने अपने बाहुबल के जरिए कब्जाया था
कमजोर और गरीब लोगों से छीना था, आज वो सब या तो कुर्क हो रही हैं या फिर पुलिस उन पर सरकारी बुलडोजर चलवाकर जमींदोज कर दे रही है। ताजा मामला उसके ही द्वारा कब्जाई गई 16 अवैध संपत्तियों से जुड़ा हुआ है, जिन्हें प्रयागराज पुलिस ने कुर्क करके उस पर एक नया डंडा चलाया। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा, हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।